अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ डोनट। जिसके लिए डोनट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप फ्लावर, 3 टेबलस्पून ऑयल, आप ऑयल की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लार्ज एग, अगर आपके पास लार्ज एग ना हो तो आप 2 स्मॉल एग भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून यीस्ट। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। साथ में मैंने रखा है 1/2 कप मिल्क, ये मैं डो तैयार करते वक्त थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी और एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। अब एक शेल्फ पे मैं कुछ फ्लावर डस्ट कर लूँगी और इसके ऊपर डो को 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह रब कर लूँगी। ये देखिए मेरी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अब मैं एक बाउल लूँगी जिसके अंदर इस डो को रख दूँगी और 2 to 3 आवर्स के लिए इसको कवर करके एक ऐसी जगह पे रख लूँगी जहाँ का टेम्परेचर लो हो। तो मैंने माइक्रोवेव में रख दिया। डो मेरी राइस हो चुकी है। अब मैं इस डो को फिर से शेल्फ में मैदा टेस्ट करूँगी और इसके ऊपर 2 से 3 मिनट ये देखिए सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अब मैं इसको रखूँगी और बेलूँगी। आप चाहे कैसी जिस मर्ज़ी शेप का बेल लें, क्योंकि हमने डोनट्स बनाने हैं तो हम दरमियान में से कट करेंगे। तो इस तरह मैं बेल लूँगी इसको। अब आप कोई भी डोनट कटर ले लें, या मेरे पास यहाँ पे कैप था तो मैंने कैप की मदद से इसको डोनट की शेप दे दी है। ये देखिए इस तरह हम सारे डोनट तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल और इसको मैं हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर डोनट डालूँगी और इस तरह सारे डोनट्स को फ्राई कर लूँगी। एक साइड ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखिए इस तरह के डोनट आपने तैयार कर लेने हैं। डोनट की असेंबलिंग के लिए जो ऊपर प्रेजेंटेशन है, इसके लिए मैंने लिया है कोकोनट पाउडर। यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स लिए हैं, वाइट चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है, स्प्रिंकल्स लिए हैं कलरफुल, और ये कोकोनट पाउडर है। ये देखिए हमारे मज़ेदार से डोनट्स बन के तैयार हो गए हैं। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन बटन। अल हाफिज़।